ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला हमीरपुर की नदियों की तलहटी पर स्थित सरकारी भूमि के 14 चिन्हित स्थलों की नीलामी प्रक्रिया हमीरपुर स्थित बचत भवन में गठित की गई। समिति के अध्यक्ष एवं एडीसी रतन गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक संचालित की गई। इस अवसर पर संजय शर्मा भू वैज्ञानिक शिमला, नीरज भोगल अवधिशांशी अभियंता IPH हमीरपुर, विजय चौधरी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर तथा खनन अधिकारी हमीरपुर हरविंदर सिंह समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। जिला हमीरपुर की नदियों की तलहटी पर स्थित सरकारी भूमि के 14 चिन्हित स्थलों की नीलामी प्रक्रिया हमीरपुर स्थित बचत भवन में गठित की गई। समिति के अध्यक्ष एवं एडीसी रतन गौतम की अध्यक्षता में संचालित की गई। इस अवसर पर संजय शर्मा भू वैज्ञानिक शिमला, नीरज भोगल अधिशासी अभियंता IPH हमीरपुर, विजय चौधरी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर तथा खनन अधिकारी हमीरपुर हरविंदर सिंह समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। सरकारी भूमि के 14 स्थलों की नीलामी के दौरान 13 स्थलों को प्रति वर्ष 4,59,83,000 रुपए में नीलाम किया गया, जबकि नीलामी की 25% राशि 1,14,95,710 रुपए सिक्योरिटी राशि के रूप में एकत्रित की गई। इन 14 क्षेत्रों में से उच्चतम 3 बिड्स को टेंडर के माध्यम से जबकि 10 उच्चतम बिड्स को खुली नीलामी द्वारा करने का निर्णय लिया गया। शुक्रखंड चौकी के लिए अस्थायी उच्चतम सफल बोलीदाता के रूप में संजय चौहान ने 1 करोड़ रुपए, जबकि अस्थायी न्यूनतम सफल बोलीदाता के रूप में सुभाष चंद ने न्यूनतम 8,90,000 रुपए की राशि पेश की। मानखड़ की एक स्थल की बहुत ही कम राशि की बोली होने के कारण नीलाम नहीं हो पाई। इस एक स्थल की नीलामी को जिला हमीरपुर में होने वाली नीलामी के अगले चरण में प्रस्तावित किया गया है। आज 5 मार्च को हमने 14 साइट्स जो विभिन्न खड्डों के स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे और गवर्नमेंट से उसमें जिसमें हमें सैंक्शन मिली थी उनका ऑक्शन रखा था। 14 में से 13 साइट्स जो है हमने ऑक्शन कर दी हैं। एक साइट पे कमेटी को ये लगा कि जितना पैसा आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, वो 10 लाख से भी कम था। रिजर्व प्राइस हमारा उसमें 4.5 लाख था, तो उसके लिए हमने जो है वो उस पॉइंट को छोड़ दिया है। उसको जब भी नेक्स्ट ऑक्शन की प्रक्रिया होगी उसमें डाला जाएगा। मीनवाइल आज के 13 स्पॉट्स में से लगभग 4,60,00,000 के आसपास जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट को पर साल का आएगा, जिसमें से 25% अप्रॉक्सीमेटली 1,14,00,000 जो है वो हमने आज लोगों से रिकवर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ DD, चेक, कैश। वो सारा कंपाइल कर रहे हैं उसको, एज एन मैन उसका जो सिक्योरिटी मनी 25% उसको डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। लेटर ऑफ इंटेंट के बाद 25% और लेंगे। उसके अलावा जैसे जैसे ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस ऑब्टेन करेंगे काम शुरू होगा। 25% हर 3 महीने की ड्यूरेशन पर इनसे कलेक्ट करेंगे और ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 4,60,00,000 का लगभग इतना रेवेन्यू पर साल आएगा।